ऐसा कोई धर्म ग्रंथ नहीं है संसार में जिसको पढ़ करके किसी की आत्म जागृति हो सके, किसी को राज्य की पहचान हो सके। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की। अक्षरातीत श्रीराज जी की ये जो वाणी है 14 लोगों को हयाती अर्थात अखंड मुक्ति देने वाली है, लेकिन इस वाणी के अलावा, वाणी के अतिरिक्त ऐसा कोई धर्म ग्रंथ नहीं है संसार में जिसको पढ़ करके किसी की आत्म जागृति हो सके, किसी को राज्य की पहचान हो सके। और इस वाणी को पढ़ने से क्या होता है, रूह पिए हयाती हो जात। ब्रह्म सृष्टि उस वाणी को पढ़ करके उन्हें वो अखंड का आनंद लेती हैं। आज तक इस ब्रह्मांड में कहते हैं कब हूँ काहू सुनी न कान, आज दिन तक ऐसा कोई भी नहीं हुआ जिसने परमधाम की लीला को सुना बिना वाणी के। इसलिए तो कहा किन एक बूंद न पाइया रसना भी वचन, ब्रह्मांड धनियो देखिया जो कहावे त्रिगुण। ये वाणी की महिमा है कि संसार में बड़े बड़े तीर्थंकर पैगंबर अवतार हुए लेकिन किसी ने भी स्वप्न में भी परमधाम की वाणी को नहीं सुना। इसलिए कहा कई देव दानव हो गए कई तीर्थंकर अवतार, किन सुपने न श्रवणो सो इत मिलिया नरनार। किसी ने भी स्वप्न में भी नहीं सुना था और इस वाणी को सुनने की ताकत कहते हैं, ये सुनने की ताकत त्रिगुण को ना होए। त्रिगुण के अंदर भी ये सामर्थ्य नहीं कि परमधाम के ज्ञान को प्राप्त कर सकें, और जब त्रिगुण को ही ये सामर्थ्य नहीं है तो उनके अलावा मैं नाम किसका लूं, क्योंकि वो तो इस ब्रह्मांड के सर्वोपरि हैं। और ब्रह्म सृष्टि कहते हैं सो रस सागर रेलत कोई ना धरत कान, एक संयो की रूह पी वही और काहू ना पहचान। परमधाम की वाणी जिस जो त्रिदेवों के लिए भी दुर्लभ था, उनके लिए भी सुलभ नहीं था, आज राज जी उसका प्रवाह दे रहे हैं, पूर पर पूर दे रहे हैं, लेकिन उसको हर कोई कान नहीं दे पाता। कोई ना धरत कान, हर कोई कान में अर्थात जाहिरी बात नहीं, दोनों कानों से वो सुन नहीं पाता, उसको पीता कौन है। कहते एक संयोग की रूह पी वही, ब्रह्म सृष्टियां ही उसका पान कर सकती हैं, परमधाम की वाणी का, बेहद वाणी का, अखंड वाणी का रस पान कर सकती हैं। और कहते हैं कैसी जिक्र होते है किन ठौर पहुंचत क्या नफा होते है ए पहुंचावे कित। बिना ब्रह्मवाणी को पढ़े ये कुछ नहीं हो सकता, राज्य का जिक्र कोई नहीं कर सकता। शरीर और संसार को छोड़ने के बाद में कौन से ठौर में कौन सी जगह पर जाना है उसके विषय में भी कोई नहीं जान सकता। कहते हैं ए मेहर किन करी ए हुई किन ऊपर, वाणी रूपी जो मेहर है हमने शुक्राना के प्रकरण में भी सुना कि दई में तुमको कुलजम इनको किया गरक, पढ़ो मेरे कलाम को तो भाने सारी शक। हमने शुक्राना के प्रसंग में पढ़ा कि राज जी ने हम पर मेहर की, ए मेहर किन करी, किसने मेहर की, राज जी ने, हुई ए किन ऊपर, किन के ऊपर मेहर हुई, हम ब्रह्म सृष्टियों के ऊपर, और किन बरकते आई, इत राज जी की मेहर से आई, इसलिए ब्रह्म सृष्टियों के अलावा अर्थात जिनके लिए उतारा गया है, जिनके लिए इस वाणी का अवतरण हुआ है और जिनके द्वारा इस वाणी का अवतरण हुआ है उसके अलावा और कोई भी कोई पावे ना पटंतर, इसके भेद इसके रहस्य को कोई नहीं जान सकता। अब ये जो ब्रह्म सृष्टियाँ हैं यही ब्रह्म सृष्टियाँ आती हैं और वाणी सुनने के लिए श्री जी के पास में बैठते हैं, जो सुंदर सात वाणी का गायन कर रहे उनके पास में बैठ करके सुनती हैं। ए बैठत ढिग आए के धरे सुनने को कान, तो जब 14 बारियाँ गाने वाली है तो ब्रह्म सृष्टियाँ आकर के कान दे करके अर्थात बिल्कुल ध्यान दे करके परमधाम की वाणी का गायन सुनते हैं। और इस वाणी को सुनने से क्या होता है, कहते हैं होत पहचान रूह को बढ़त जात ईमान। परमधाम की लीला सुनने से, वाणी का गायन सुनने से, वाणी को सुनने से क्या होगा, परमधाम की पहचान हो जाएगी, आत्मा को परमधाम की पहचान हो जाएगी, और जैसे ही पहचान होगी ईमान बढ़ेगा। बिना पहचान के ईमान हो ही नहीं सकता। अगर कोई अनजान व्यक्ति आकर के आपसे कहे कि भाई साहब आप ये बैग थोड़ी देर के लिए देख लेंगे,
आप कहेंगे ना जान ना पहचान में तेरा मेहमान, कि मैं तुम्हें जानता भी नहीं हूँ, तुम कैसे लोग हो अथवा तुम कैसे आदमी हो। तो बिना पहचान के उस किसी के भी ऊपर विश्वास नहीं आ सकता। तो पहचान कराने का काम वाणी का है। हम वाणी पढ़ेंगे, राज्य की पहचान होगी और उसके बाद ही ईमान बढ़ेगा। कहते हैं ए वाणी इन धाम की ले बैठावत निज धाम, यह वाणी ही हमारी सुरता को परम धाम की तरफ लेके जाती है। खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार के माध्यम से किस तरह से हमें परम धाम की लीलाओं की बातें, परम धाम के 25 पक्षों की बातें बताई गई है, मूल मिलाव में क्या बात हुई उसका वर्णन किया गया है, तो उसको पढ़ने से हमारी सुरता परम धाम की तरफ लगती है। कहते हैं ए बानी से होते है नजर पड़े बीच बका, इस बाणी के द्वारा ही हमारी सुरता अखंड की तरफ लगती है। ए रसना श्यामा जी की पिलावत रस रब का, और ये वाणी, इस वाणी को श्यामा जी की रसना कहा गया है। श्यामा जी के दो तन कहे गए हैं, दो जामे कहे गए हैं, और उन दो जामों में से पहला जामा श्री देवचंद्र जी का और दूसरा जामा श्री जी साहब का। वाणी में कहा रूह अल्लाह दो जामे पहरसी, दूसरी ऊपर मुद्दार सोई इमाम मेहदी जाकी बुजरगी बेसुमार। तो श्यामा जी ने जो दो तन धारण किया है, दूसरे तन के माध्यम से वाणी अवतरित हुई है, तो इस वाणी को श्यामा जी की रचना कहा गया है। तो इस वाणी के अंदर कहते हैं जो धाम अंदर की विहार की मजकूर, सो अक्षर को शुद्ध नहीं जो अंदर का जहूर। परम धाम में जो लीला होती थी उसका पता तो अक्षर को भी नहीं था, उसकी शुद्ध अक्षर को भी नहीं थी। और कहते हैं जो अक्षर को शुद्ध नहीं सो त्रिगुण पास क्यों होए, जिसका पता अक्षर को भी ना हो उसका पता त्रिगुण के पास कैसे हो सकता है, और जिसका त्रिगुण को भी पता ना हो सामान्य रूप में इस संसार के जीव के पास कैसे हो सकता है। लेकिन इस वाणी के द्वारा इस संसार के जीव की भी सुरता अखंड की तरफ पहुँचती है ज्ञान दृष्टि से। अगर ध्यान करें प्राणनाथ जी के ऊपर पूरा ईमान लेकर के आए तो वह राज्य का भी दर्शन प्राप्त कर सकता है। और कहते हैं तीन नाबूद की नजर बीच अखंड पहुंचे, ऐसे जीव की दृष्टि भी अखंड परम धाम में पहुंचती है। अक्षर ठौर स्वरूप की इन बानी से देखे, और एक सामान्य जीव भी जहाँ त्रिगुण भी नहीं पहुँच पा रहे थे वहाँ इस वाणी के ज्ञान के द्वारा पहुँच जाता है। इसलिए आज आप देखते हैं कि तारतम वाणी जिसके पास है, चाहे उसकी अवस्था कैसी भी हो, रहनी कैसी भी हो, लेकिन ज्ञान दृष्टि से तो वह क्षर अक्षर और अक्षरातीत के बारे में कह ही सकता है। हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर वो कह सकता है। निराकार के पार थे तीन पार के भी पार, ऐसा कह करके वो वर्णन कर सकता है क्षर अक्षर और अक्षरातीत का। राज्य की शोभा का, उनके स्वरूप का वर्णन स्वरूप सुंदर संकुल सकोमल कह करके कर सकता है। निज लीला ब्रह्म बाल चरित्र जाकी इच्छा मूल प्रकृति कहते हुए अक्षर की लीला का वर्णन कर सकता है। तो ये महिमा किसकी है, ये महिमा है वाणी की। और इस वाणी से क्या होता है, कहते हैं इन जुबा के सुर सुनते सब ठौर आवे नजर, क्षर अक्षर और अक्षरातीत ये सारे ठौर की सारी जगह की शुद्ध जीव को भी हो जाती है। और रूह आत्म पहुँचत ताय हो जात फजर, और आत्मा भी ध्यान दृष्टि से परम धाम को देखती है और उसके लिए यहीं पर फजर अर्थात यहीं पर ज्ञान का सवेरा हो जाता है, यहीं पर उसकी जागनी हो जाती है। और इस वाणी को सुनने से कहते हैं इन वाणी के सुनते आप होत हयात, कि हम अखंड हो जाते हैं, हम अखंड मुक्ति के दावेदार हो जाते हैं। देखे बैठे माया मिने ठौर बका हक जात, इस वाणी के द्वारा ही हम इस संसार में बैठे बैठे अखंड परम धाम का दर्शन कर सकते हैं। इस वाणी के सुनने से ही बहिष्ट के द्वार खुल जाते हैं। अगर इस वाणी को हमने सुना, आत्मसात किया, श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप पर पूर्ण ईमान लेकर के आए, तो चाहे कोई कोरा जीव ही क्यों ना हो लेकिन वह जीव भी पहले बहिष्ट का अधिकारी बन जाता है। इस वाणी की बरकत से, इस वाणी की महिमा से, इस वाणी की कृपा से किसी के अंदर भी किसी प्रकार का संशय नहीं रह जाता। और इस वाणी के द्वारा ही ब्रह्म सृष्टि प्रतिदिन दिन रात वाणी के द्वारा ही अपनी सुरता को राज्य में परम धाम में लगाए रख सकती है। कहते इन वाणी की बरकतें भया जागृत सुपन, इस स्वप्न के ब्रह्मांड में वाणी के द्वारा ही हम जागृत हो सकते हैं। और जो पहचान आज दिन तक किसी को भी नहीं हुई थी वह पहचान वाणी के द्वारा हो सकती है। तो ये पूरे प्रकरण में अधिकतर वाणी की महिमा बताई गई कि किस तरह से परम धाम की वाणी की महिमा है।
और उस वाणी का वह सुंदर साथ रात्रि के चौथे प्रहर में भी 3 बजे के बाद भी गायन कर रहे हैं, तो उन ब्रह्म मुनियों की महिमा तो और बढ़ जाती है। एक तो वाणी की महिमा पहले से ही है और उस वाणी को भी रात्रि के अंतिम प्रहर में, ब्रह्म मुहूर्त वाले प्रहर में ब्रह्म मुनि गायन कर रहे हैं, तो सोने पर एक सुहागा हो रहा है। उन ब्रह्म मुनियों के त्याग को हम देखें, उनके समर्पण को देखें। आज अगर हमें एक दिन के लिए कह दिया जाए कि रात को 3 बजे उठ करके आपको ये काम करना है, हम नहीं कर सकते। लेकिन उन्होंने तो 10 वर्ष तक पन्ना में यही सब करके दिखाया, इसलिए तो उन ब्रह्म मुनियों को हम सम्मान से याद करते हैं। वे ब्रह्म मुनि हमारे लिए आदरणीय है, सम्माननीय है, और उनको सम्मान हम इसलिए करते हैं क्योंकि उन्होंने वाणी के अनुरूप अपने जीवन को ढाला, वाणी के अनुरूप अपने जीवन को बिताया। तो मूल रूप से देखा जाए तो हर जगह पर वाणी की ही महिमा है। तो हम सब सुंदर साथ का परम कर्तव्य है कि इस जागनी के ब्रह्मांड में बीतक के माध्यम से वाणी की महिमा की पहचान करके हम आगे बढ़ें।